वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ बहुत ही स्पेशल पर्सन से, एक ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट जो 2016 में अपनी इंटरनेशनल स्टूडेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए कनाडा आया था। आज उनकी जॉब गूगल की कंपनी में लग चुकी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ ऋषभ कुमार से। ऋषभ 2016 में कनाडा आए थे। आज उनकी जॉब्स के बारे में, जो भी उन्होंने कॉलेज के ड्यूरिंग की थी, जो भी अब जॉब कर रहे हैं, वो गूगल की जॉब तक कैसे पहुंचे, सारी जर्नी के बारे में जानेंगे। आई होप ये वीडियो आप पूरी देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने जा रही है। ओके ऋषभ, आप अपनी थोड़ी बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप इंडिया कौन से शहर से आए थे, आपने कौन सी पढ़ाई की थी वहाँ, यहाँ आकर आपने कौन सी पढ़ाई चूज की, कौन से कॉलेज में, और आपने कनाडा आने का डिसीजन क्यों लिया? मैं इंडिया पंजाब से हूँ और होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। एंड वहाँ पे 12th की थी, और 12th के बाद 12th में नॉन मेडिकल था, और जैसे आपको पता है IIT की दौड़ लग जाती है, तो वो जब एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो मेरी एडमिशन PTU में हुई उधर पटियाले, और वहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल थी। मैकेनिकल से इतना लगाव नहीं था, तो कंप्यूटर साइंस चाहिए थी, तो इसलिए फिर CGC लांड्रा में ले ली एडमिशन। और वहाँ पे ही लांड्रा में मेरे कई जो कॉलेज मेट्स थे, उनमें से एक और दो जिनके साथ मैं बहुत क्लोज था, वो कनाडा आ रहे थे उस समर, सो मैंने भी शुरू किया अपना प्रोसेस। सो आपने यहाँ आके कौन सा कॉलेज चुना, कौन सा प्रोग्राम चुना, और वो डिसीजन प्रोसेस कैसा था आपका? एक्चुअली मैं यहाँ पे कोई नोन नहीं था जिसके ऊपर जैसे रिलाई कर सकूँ और पूछ सकूँ कि कहाँ पे आए, तो तब सिर्फ गूगल पे जो सर्च किया था कि कौन सी सिटीज जैसे बहुत बड़ी ना हो, ताकि एक्सपेंसेस जो है लिविंग एक्सपेंसेस वो कम हो, और इतनी छोटी भी ना हो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ना हो, तो इसलिए फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग डिप्लोमा में ले ली, जो 2 ईयर का प्रोग्राम था यहाँ पे सेंट लॉरेंस किंगस्टन में। और जब सेंट लॉरेंस के बारे में और थोड़ा मतलब देखा ऑनलाइन प्रोग्राम से, जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको, उनकी जैसे सक्सेस स्टोरीज वगैरह कॉलेज वगैरह लिखते ही हैं, तो वो देखा तो था कि हाँ चलो ठीक है कॉलेज, तो स्पेस पे चूज किया था। सो ऋषभ, जब आप यहाँ आ गए थे, आपने अपनी स्टूडेंट जर्नी के दौरान कौन कौन सी जॉब्स की थी पार्ट टाइम? काफी टाइम लगा जॉब लगने में, आई थिंक 3 मंथ्स ऑलमोस्ट लग गए थे मुझे। और पहली जॉब गैस स्टेशन पे थी एज अ कैशियर, तो वो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक की मैंने। तो फिर पार्ट टाइम एक और जॉब थी एज अ पिज़्ज़ा डिलीवरी, तो पिज़्ज़ा यहाँ पे बहुत जैसे फेमस है ओंटारियो में, तो वहाँ पे एज अ डिलीवरी ड्राइवर लगा था। जब आपने ये सारे काम कर लिए थे, व्हाट वाज द फर्स्ट जॉब, वो जो जॉब थी आपको कैसे मिली वो जॉब? जो कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोग्राम था सेंट लॉरेंस के थ्रू, वहाँ पे मैंडेटरी था कि 4th सेमेस्टर में आपने 2 मंथ की को आप प्लेसमेंट करनी है, इवन दो वो पेड नहीं होगी, पर वो आपको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और बताएगी, मतलब वर्क फील्ड कैसी है, वर्क कल्चर कैसा है IT का, एक रियल कंपनी में काम करके ही आपको पता लगता है, तो वो आई थिंक बहुत अच्छा ऑप्शन था। और उसके थ्रू मेरी वो जो जूनियर IT एडमिन की इंटर्नशिप थी वो लगी थी 2 मंथ की। काफ़ी मतलब पता लगा कि सिर्फ जैसे स्टडी से बहुत डिफरेंट था, स्टडी से जब आप कंपेयर करते हो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस तो वो बहुत डिफरेंट होती हैं, और उसी के थ्रू बाद में जो फर्स्ट पेड प्रोफेशनल जॉब आप कह सकते हो वो वहाँ पे लगी थी एज अ टेक सपोर्ट। और जो प्रिंट फ्लीट में आपने कोऑप के ड्यूरेशन में काम किया था, वो काम के स्पेसिफिक्स क्या थे, आपका काम एक्चुअली में होता क्या था? तो जो IT टीम थी वो 2 जनों की थी, और मैं 3rd आया था, और एज उनका असिस्टेंट कह लो या जूनियर IT एडमिन कह लो, तो वो जो टास्क असाइन करते थे वो जैसे जैसे मैं सीखता गया वैसे वैसे वो टास्क भी एडवांस होते गए। तो यूजली जो स्टार्ट थी, जो पहले 2 वीक्स थे, उसमें जैसे किसी का लैपटॉप चल रहा, या कोई मार्केटिंग में है या सेल्स में है, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा लैपटॉप जो बहुत लैगी है, तो जो मेरे सुपरवाइजर थे वो बोलेंगे कि देखो ट्रबल शूट करो, क्या है, क्यों स्लो है, तो ये सारी चीज़ें थी पहले 2 वीक्स में। उसके बाद थोड़ी और टिकट्स वगैरह साइन होनी शुरू हो गई, जैसे कि नेटवर्किंग के रिलेटेड थी, तो हमारे वहाँ पे लोकल डेटा सेंटर था, तो वहाँ पे सर्वर रूम था, तो वहाँ पे फिगर आउट करना कि अगर डेवलपमेंट को कोई पोर्ट ओपन चाहिए
क्योंकि वो कुछ डेवलप कर रहे हैं और कोई वेबसाइट है जिसके लिए उनको एक स्पेसिफिक पोर्ट जो है डेटा सेंटर में ओपन चाहिए, तो वो फिगर आउट करना। तो ये सारे काम आपने कोऑप की ड्यूरेशन के दौरान किए, और फिर उसी कोऑप की कंपनी ने जहां आप कोऑप कर रहे थे उन्होंने आपको फुल टाइम एज अ टेक सपोर्ट हायर कर लिया, राइट? हाँ। जब आपको उन्होंने एज अ टेक सपोर्ट हायर कर लिया, वहां से आपकी जर्नी की प्रोग्रेशन कैसे हुई, वहां से आपकी पोजीशन फ्रॉम टेक सपोर्ट टू डेवऑप्स में कैसे कन्वर्ट हुई? तो टेक सपोर्ट में जब आ गया तो जैसे पता लगने लग पड़ा क्या है टेक सपोर्ट। सो उसके बाद थोड़ा ये हो गया कि रेपिटेटिव होगी जॉब, क्योंकि हद से हद, मतलब आप 3-4 महीने में एक ऐसा डिफरेंट सा इशू देख लोगे, राइट, जो बहुत ही यूनिक है। तो उसके कारण थोड़ा इंटरेस्ट जो था वो प्रोडक्ट सपोर्ट करने के बजाय प्रोडक्ट चल कैसे रहा है उधर चला गया। तो मैं क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए काफ़ी, जो हमारे से जैसे डेवलपमेंट टीम थी और क्लाउड डेवऑप्स टीम थी, काफ़ी ओपन थे, काफ़ी सिखाया उन्होंने। आई थिंक 6 मंथ के मार्क पे तभी टोरंटो में क्लाउड की कॉन्फ्रेंस थी, AWS क्लाउड की, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे गया जाके पता लगा कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, और डेवऑप्स के बारे में और पता लगा, और हमारी कंपनी बेसिकली कैसे यूज करती है इसको प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ऋषभ ने जब उस कंपनी में एज अ पहले कोऑप स्टार्ट किया, फिर वहां कोऑप से फुल टाइम हायर हो गए, और जब उनकी जॉब थोड़ी रिडंडेंट हो गई, रेपिटेटिव हो गई, उन्होंने कोशिश की कि कंपनी के अंदर ही और सीखने की कोशिश की, और वहां से उनको और सीखने को मिला, उनको पता चला कि उनकी करियर में और प्रोग्रेशन कैसे हो सकती है। सो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप अपनी ही कंपनी के अंदर अगर आपको लग रहा है कि आपने अपनी जॉब सीख ली है या उसमें काम रेपिटेटिव हो रहा है, तो और सीखने के लिए आप अपने मैनेजर को रीच आउट कीजिए, अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए। तो ऋषभ, आज आप कौन सी पोजीशन पे लगे हो और आज आप कौन सा काम कर रहे हो? तो अभी द टाइम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, संडे है और मंडे कल है, तो कल मेरा फर्स्ट डे है गूगल पे, और गूगल में मैं टेक्निकल सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट हूँ गूगल क्लाउड की टीम में। तो अगर उसको सिंपलर टर्म्स में बोला जाए तो ये भी बहुत कस्टमर फेसिंग रोल रहेगा अभी स्टार्टिंग में, जिसमें जो कस्टमर्स गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हैं अपनी अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करने के लिए, उनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है या उनको अगर कोई सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो शुरू से डेवलप करना है या चाहे वो ऑलरेडी हमारे साथ हैं और गूगल के साथ है और सॉल्यूशन को इम्प्रोवाइज करना है, तो उसमें उनके आर्किटेक्चर में हेल्प करने का रोल है। रेज्यूमे और कोऑप कितना इम्पोर्टेंट होता है अलोंग विद कम्युनिकेशन स्किल्स एक स्टूडेंट के करियर में? वैसे बहुत बहुत ज़्यादा, गैस स्टेशन या पिज़्ज़ा डिलीवरी में लगे थे तो वो रेज्यूमेस बहुत डिफरेंट होते हैं आपके टेक्निकल या फील्ड के रिलेटेड रेज्यूमे से। तो वो स्किल जो था वो आई थिंक मिसिंग था, जिसके कारण जो ऑन कैंपस आप कह सकते हैं कि प्लेसमेंट कंपनीज जो आई थी वो नहीं लगी या नहीं चूज़ किया मुझे। तो आई थिंक उसके बाद मैंने थोड़ा काम किया, हमारे कॉलेज में ही स्टूडेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सीखा कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, प्रोफेशनल रेज्यूमे क्या होता है, कवर लेटर्स क्या होती हैं, क्यों इम्पोर्टेंट हैं, तो उसके वजह से मिला कोऑप में। पर आई थिंक रेज्यूमे और सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत बड़ी चीज़ है, आई थिंक वो बहुत लैक कर रहा था जब मैंने शुरू किया कोऑप। उसके बाद आई थिंक जो प्रोग्रेस मेरी उस कंपनी में हुई है प्रिंटफ्लीट में, वो सिर्फ सॉफ्ट स्किल की वजह से हुई है, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो मैंने क्लाउड या डेवऑप्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ा कॉलेज में भी, और ना ही खुद से पढ़ा था तब तक। और अगर वो सपोर्टिव है इनफ और वो देख रहे हैं कि हाँ पैशनेट हो, तो वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे, पर वो कम्युनिकेशन जो है वो करनी आनी चाहिए। तो ऋषभ, ये बताइए आपकी, जब आप जूनियर आई टी एडमिन लगे, बाद में टेक सपोर्ट लगे, बाद में डेवऑप्स पे लगे, इन तीनों पोजिशन पे स्टार्टिंग सैलरी इस इंडस्ट्री में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट? एस जस्ट मैंने बताया शुरू में कि जूनियर आईटी एडमिन, क्योंकि कोऑप थी कॉलेज के थ्रू एक प्रोग्राम था, तो वो पेड नहीं था, तो वो सब एक तरह कह लो कि वॉलंटियर वर्क में गया। जो टेक सपोर्ट की सैलरी थी उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी लोकेलिटी पे कि आप कहाँ लोकेटेड हो, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 35-45 के बीच में, एंड मोर ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग आपका कितना एक्सपीरियंस है। मैं क्योंकि फ्रेश था तो मेरे लोअर एंड पे थी, और फिर जब क्लाउड इंजीनियर की बात आती है तो उस पर भी जैसे कहा कि लोकेशन और एक्सपीरियंस इस पर बहुत डिपेंड करता है, 60 से लेके 75-80 तक
रख सकते हो अगर आप जूनियर साइड पे हो तो, जैसे एक दो साल का एक्सपीरियंस है आपको. एंड इट कैन आई हैव सीन, मतलब मैंने देखा है लोगों की क्लाउड इंजीनियर टाइटल पे ही सिक्स फिगर लग जाती है आराम से. सेम थिंग विद डेवॉप्स. डेवॉप्स की अभी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसके कारण इसकी जो लाइक लोअर एंड पे भी सैलरी है वो 80 से शुरू हो जाती है. इवन स्मॉलर सिटीज़ में तो 80 से लेके 120 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो. अगेन लोकेलिटी और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है. तो ऋषभ, जितनी जर्नी आपने अभी तक अपनी देख ली है उसके हिसाब से व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव उस वीयर को जो ये वीडियो देख रहा है, जो अभी इंडिया में है या फिर कनाडा में अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है या जा रही है, उसको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? बहुत स्पेसिफिक तो नहीं होगी, बहुत जेनेरिक सी एडवाइस है कि अपने आप में जो जो बिलीव है, जो जो सपने देख के आ रहे हो उनको उनको भूलना मत कभी भी. उनको उनको हमेशा कहीं ना कहीं माइंड में रखना. लिख के रख लो अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं माइंड में रखना, क्योंकि यहाँ पे आके क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, बहुत डिफरेंट कल्चर है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आप अपने इंडिपेंडेंट हो जाते हो, तो उस कहीं भी जैसे भागा दौड़ी में कह लो कि आप भूल जाते हो कि मतलब क्या था मोटिव, क्या था लाइफ में, क्या करना है, अचीव करना है. और होता है, मेरे साथ भी हुआ. वो दो साल मुझे नहीं पता था कि मैंने फील्ड जॉब करनी है कि नहीं करनी. मुझे था कि बस यार यहाँ पे आए हैं तो मतलब अच्छी लाइफ हो जाए, इंडिया से बेटर हो जाए, राइट, उसके लिए आते हैं आप. तो हाँ, वो बस हमेशा याद रखना और अपने अपने आप में बिलीव करो. सो ये थी आज की वीडियो गाइस. आई होप यू गाइस लव द कंटेंट. आपने ऋषभ की जर्नी देखी, कैसे एक जूनियर आईटी सपोर्ट से लेकर डेवऑप्स, टेक सपोर्ट और आज उनकी गूगल में भी जॉब लग चुकी है. लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं देखते कि उन्होंने अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी और कई और कंपनीज में भी शायद अप्लाई किया हो जहां उनको रिजेक्शन भी मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जैसे कि उन्होंने एडवाइस दी कि अपने सपने में उन्होंने पूरा बिलीफ रखा. ऐसे ही लोग हमें इंस्पायर करते हैं और हमारी कम्युनिटी को भी इंस्पायर करते हैं. दैट्स व्हाई आई ब्रिंग सच कंटेंट टू यू गाइस. अपने आप में बिलीफ रखिए. सो ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा. कोई भी कंसर्न हो मैं कोशिश करूंगा या ऋषभ खुद कोशिश करेगा वो एड्रेस करने की. और ऋषभ के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. मेक श्योर यू गाइज फॉलो हिम एंड ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, कमेंट करने से मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने की. थैंक यू एंड लव यू ऑल.